हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज दीप्ति एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और मैं भी अच्छे से हूँ. और आज हम निकल रहे हैं अपने एक नई ट्रिप पे, जो है अंडमान की तरफ. तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को भी अंडमान जाना हो इंडिया मेनलैंड से, तो आप कैसे जा सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और किस किस रूट से आप जा सकते हैं. अगर आप सभी लोगों को ये जानना है कि इंडिया मेनलैंड से अंडमान कैसे जा सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और क्या क्या रूट्स हैं, तो ये सब चीजें जानने के लिए व्लॉग को एंड तक देखिए. तो गाइज, देर आर टू वेज टू रीच अंडमान, बाय एयर एंड बाय सी. तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो है बाय एयर. तो बाय एयर जाने के लिए आपको वेरियस सिटीज से वेरियस फ्लाइट्स मिलती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलोर से. वहां से आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं और फ्लाइट ले सकते हैं. जो बेस्ट वे है अंडमान विजिट करने का वो एयर ट्रेवल ही है, क्योंकि बाय शिप अगर आप जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है. फ्रॉम चेन्नई एंड कोलकाता इट वुड टेक अराउंड 2 आवर्स टू रीच पोर्ट ब्लेयर, एंड फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली इट वुड टेक अराउंड 5 आवर्स. जो अदर वे है आपके पास अंडमान पहुंचने का वो है बाय शिप. तो बहुत सारी कार्गो शिप्स चलती हैं फ्रॉम चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम, जो पहुंचती है पोर्ट ब्लेयर के हेडो जेटी में. ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो दो मेन फैक्टर हैं वेदर कंडीशन और सी कंडीशन, इसी पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में पहुंचोगे अंडमान. वैसे जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 60 to 65 आवर्स लगते हैं आपको अंडमान पहुंचने पे. चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम टॉप पोर्टल रीजन है जहां से आपको अंडमान के लिए शिप्स मिल सकती हैं. जो शिप्स सर्विसेज अवेलेबल होती हैं यहाँ इन तीन जगहों से, वो 3 या 4 टाइम्स ही अवेलेबल होती है पर मंथ. और जो टिकट प्राइस है वो 2,000 इंडियन रुपीज से 10,000 इंडियन रुपीज तक एक्सीड कर सकता है. ये मोस्टली डिपेंड करता है आप किस सीजन में जा रहे हैं और कौन से क्लास की बुकिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों पे. नंबर ऑफ शिप्स हैं वो ऑपरेट करती हैं चेन्नई से, इसलिए चेन्नई जो है मोस्ट रेनाउंड पोर्टल है इन तीनों में से. कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए शिप फेयर जो है वो 2,630 है बंक क्लास के लिए और 10,240 है डिलक्स कैबिन के लिए. बट ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सीजन में आप जा रहे हैं. विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए जो बंक क्लास के लिए टिकट है वो है 2,630 एंड 10,240 है डिलक्स कैबिन के लिए. ये फेयर जो है वो आपकी क्लास पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीट चूज कर रहे हैं. नहीं से अगर अंडर जाने के लिए जो शिप फेयर है वो 10,240 है, वो है लग्जरी क्लास के लिए. उसके बाद 8,490 रुपीज है क्लास ए के लिए एंड 6,750 है सेकेंड क्लास के लिए. और बंक क्लास के लिए जो टिकट है वो है 2,630 रुपीज. नहीं से अगर अंडमान जाना हो तो उसके लिए क्रूज ट्रेवल टाइमिंग जो है वो है 60 आवर्स की. और अगर आपको कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाना है तो आपको 66 आवर्स लगेंगे. विशाखापट्टनम से अगर पोर्ट ब्लेयर जाना है तो सिर्फ आपको 56 आवर्स लगेंगे. जो इसकी फ्रिक्वेंसी है शिप्स के चलने की वो वंस अ वीक है और 3 or 4 times अ मंथ है फ्रॉम कोलकाता. और टोटल डिस्टेंस है 1,302 किलोमीटर. चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाना हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी है वंस अ वीक, यानी 3 or 4 times अ मंथ. विशाखापट्टनम से अगर आपको पोर्ट ब्लेयर जाना हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी वंस अ वीक है, यानी 3 or 4 times अ मंथ. और ये जर्नी बहुत अच्छी रहती है. और पोर्ट ब्लेयर से अगर आपको रिटर्न टिकट लेनी है तो फिनिक्स बे जेटी से आप ले सकते हैं. ये फेरी बुकिंग ऑफिस है वहां पे पोर्ट ब्लेयर पे, तो यहाँ से आप अपना रिटर्न टिकट बुक करवा सकते हैं. हेलो गाइस, तो जैसे आप देख रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं नागपुर एयरपोर्ट और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. और हमारी जो फ्लाइट है वो है सुबह 6 बजे की और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:45 हो रहा है. यहाँ से हमें जाना है मुंबई एयरपोर्ट के लिए. मुंबई हम पहुंचेंगे मॉर्निंग 7:30 पे. वहाँ हमें 3.5 घंटे रुकना है और वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट चेंज होगा जो निकलेगा मुंबई से 11 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए. और पोर्ट ब्लेयर हम पहुँचेंगे 2:30 पे. तो हम घर से निकल गए थे सुबह 4 बजे क्योंकि हमारी 6 बजे की फ़्लाइट थी. और हम इतने सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं कि पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में. अरे देखिए, कोई नहीं है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में. Thank you.
for flying with Indigo. See you next time. और ये देखिए, ये है व्यू हमारे होम स्टे से, और इसी व्यू की वजह से हमने ये होम स्टे लिया था। मैं आपको पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर एयरपोर्ट दिखाना तो चाहती थी, बट मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाई क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट में वीडियो शूट करना और फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है। अंडमान आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ये एक इंडियन आर्किपेलेगो है। देखिए यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है इवनिंग में, शायद आपको सुनाई भी दे रही होगी। तो अब और मैं आपको बताती हूँ अंडमान के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो 572 आइलैंड से मिलकर बने हैं, बट उनमें से 37 आइलैंड ही इनहेबिटेड है, और ये पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्शन में। ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड चेन है, ये बोलते हैं कि सबमर्ज एक्सटेंशन है अराकान माउंटेन्स की। अंडमान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट मेनली जो बोली जाती है वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और मलयालम। जो टोटल एरिया है इस आइलैंड का वो है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। ये अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड ग्रुप का है। इन आइलैंड्स की जो टेरिटरी है वो डिवाइडेड है तीन डिस्ट्रिक्ट्स में। पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी कैपिटल है कार निकोबार। जो सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है वो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और थर्ड डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट, जिसकी कैपिटल है मायाबंदर। वैसे तो अंडमान आइलैंड बहुत सारी ट्राइब्स का होम है, बट उनमें से एक मेन ट्राइब मैं आपको बताती हूँ जो आज तक अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है, वो है सेंटिनलीज पीपल की। ये सेंटिनली ट्राइब जो है अभी तक अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स इसलिए है क्योंकि जो भी इनके पास आने की कोशिश करता है या इनसे मिलने की कोशिश करता है तो बोला जाता है कि उनके लिए बहुत हॉस्टाइल हो जाते हैं और कभी कभी उनको मार भी देते हैं। बहुत सारे लिंग्विस्टिक ने इनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश की है, बट अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए भी शायद कि इतनी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। ये जो ट्राइब है वो यहाँ के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहती है। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड कर दिया था, और इसके 3 नॉटिकल माइल्स के रेंज तक किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। इस एरिया में कोई आउटसाइडर ना जा सके, इसके लिए यहाँ के जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं वो हमेशा इसके आसपास पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में बोलते हैं, जो यहाँ के फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तो 2,210 ईयर्स पहले के थे, बट कुछ जेनेटिक और कल्चरल स्टडीज सजेस्ट करती है कि जो यहाँ के अंडमानीज पीपल थे वे आइसोलेट हो गए थे अदर पॉपुलेशन से मिडिल पैलियोलिथिक एज पे, जो ख़त्म होती थी कुछ 30,000 ईयर्स पहले। इसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड में रूल किया चोला एम्पायर ने। इसके बाद बोला जाता है कि 1052 AD जो था राजेन चोला सेकंड का रूल, उस टाइम पे राजेन चोला सेकंड ने इसे एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करते थे, और यहाँ से वो नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च करते थे इंडोनेशिया के श्री विजया एम्पायर के अगेंस्ट। चोलास के टाइम पे इस आइलैंड को माँ नक्कावरम आइलैंड नाम से जाना जाता था। 12 और 13 सेंचुरी में मार्को पोलो इस आइलैंड में आए थे, तो उन्होंने इसका नाम जो था वो नेक्यू वेरन कर दिया था, जो एक करप्टेड फॉर्म थी तमिल नेम नक्कावरम की। और शायद इसी वजह से मॉडर्न पीरियड में जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने इसका नाम निकोबार कर दिया। 17 सेंचुरी में मराठा एम्पायर ने इसको एक शिपिंग पोर्ट की तरह यूज़ किया। 1756 में ये एक बनी डेनिश कॉलोनी,
बट उसके बाद ही 1868 में इसके राइट्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बेच दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अंडमान और निकोबार आइलैंड जो था वो जैपनीज कंट्रोल में था, बट इसका नॉमिनल सा पार्ट जो था वो था आज़ाद हिंद फौज के अंडर में। 1947 में जब फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम भी ब्रिटिश इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहते थे, बट इतनी दूर से ब्रिटिशर को अंडमान और निकोबार आइलैंड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी फाइनली उनको ये वाला इलाका छोड़ना पड़ा। तो हम जिस होम स्टे में रह रहे हैं मैं उसका रूम टूर दे देती हूँ आपको। ये देखिए, तो स्वीट से रूम टूर के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तो कल हम निकलेंगे पोर्ट ब्लेयर को और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आ गए सेलुलर जेल के अंदर। वो दूर आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, वो रॉस आइलैंड है। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं चिड़ियापुर टापू में, क्योंकि पूरे पोर्ट ब्लेयर में जो सबसे अच्छा सनसेट होता है वो चिड़ियापुर टापू में होता है।